दोस्तों अभी अभी कुछ देर पहले बिहार बोर्ड 2018 के कंपार्टमेंटल का एग्जाम हुआ है। मतलब जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में फेल कर गए थे उनके फिजिक्स का कंपार्टमेंटल का एग्जाम अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, तो मैं सारे के सारे जो 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है उसका मैं आंसर एक्सप्लेन करके अभी बता रहा हूँ, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप कंपार्टमेंटल का एग्जाम दिए हैं तो अपने आंसर को मैच कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसका वीडियो बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आपको चार बातें बता दूं। सबसे पहला बात कि अगर आप एमिंग है कि रेगुलर व्यूअर हैं, सारे लेक्चर का वीडियो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा लगातार देखते हैं, तो आपको कंपार्टमेंटल एग्जाम अच्छा भी गया होगा। और दूसरी बात ये, मैं ये कह रहा हूं कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जितना से जितना ज्यादा हो सके। जो बच्चे कंपार्टमेंटल का एग्जाम दिए हैं उनके पास जितना से जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल सफल हो गया। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मैं 23 तारीख से इसी मंथ के 23 तारीख से मैं बिल्कुल बोर्ड स्पेशल न्यू बैच पटना में स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप लोग में कोई स्टूडेंट उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बोर्ड स्पेशल बैच होगा, उसमें आईआईटी की बात नहीं होगी, जेई में एडवांस का बात नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वो बोर्ड स्पेशल होगा। और तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि बहुत सारा इस क्वेश्चन को मैंने देखा, जो क्वेश्चन कंपार्टमेंटल ने जो पूछा उसको मैंने देखा, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन के आई थिंक 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हिंदी शब्द नहीं लिखा गया है बल्कि उसका नाम भी इंग्लिश में लिखा गया है। वो आप लोग को मैं अभी दिखा रहा हूं, मतलब ये कह रहा हूं कि जो बच्चे इंग्लिश से पढ़ाई किए और उनको इंग्लिश नाम पता होगा तभी वो उनका अच्छा से गया होगा एग्जाम, अदरवाइज उनका एग्जाम अच्छा से गया नहीं होगा। तो आप देखिए, मैं खुद दिखाऊंगा क्वेश्चन में इंग्लिश नाम कैसे लिखा, हिंदी नहीं लिखा गया है। और अगली बात, चौथा बात मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो इस कंपार्टमेंटल एग्जाम के क्वेश्चन का भी लेवल ऐसा नहीं कि बउआ वाला लेवल है, इसका भी लेवल ऑब्जेक्टिव का अच्छा है। जो बच्चे अच्छे से मन लगा के पढ़े हैं कॉन्सेप्ट के साथ वही इसका आंसर दे पाएंगे सारे क्वेश्चन का, नहीं तो वो बच्चे जो अच्छा से नहीं पढ़े होंगे वो सिर्फ इजी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, लेवल वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो बहुत हो गया बात और चलते हैं, शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश मणि, पटना का फिजिक्स टीचर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पटना के सबसे कमाल का एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन पूछा गया है उसमें अलग अलग सेट आया है। पिछला बार जो मेन एग्जाम पढ़ा था, ये कंपार्टमेंटल का एग्जाम है, जो मेन एग्जाम पढ़ा था उसमें अलग अलग सेट नहीं आया है, लेकिन इसमें अलग अलग सेट आया है। इसलिए मैं सेट ए का क्वेश्चन मेरे पास है तो मैं सेट ए का आंसर बता रहा हूं। अगर आपका सेट बी सी डी ये सब सेट होगा तो आप क्वेश्चन देख देख कर मैच कर लीजिएगा कि आपका कौन सा सही आंसर हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया है। कोई ए गोला जो पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज तभी होता है जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, और बी के बराबर द्रव्यमान के धातु बी गोले को उतना ही ऋण आवेश दिया गया। बी का भी उतना ही, ए का भी उतना ही मास है और बी का भी उतना ही मास है, दोनों का मास सेम है, लेकिन बी पे निगेटिव चार्ज दिया गया। तो कहा जा रहा है आपसे कि किसका मास ज्यादा होगा कम होगा, तो आप लोग को मैं बता दूं कि इसमें बी का जो द्रव्यमान होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का आना होता है और इलेक्ट्रॉन आएगा तो मास बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात एमिंग है कि रेगुलर व्यूअर, मैं ये कह रहा हूं ना, किसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा था मेन एग्जाम में, जो मेन एग्जाम पढ़ा है उसमें इसी कॉन्सेप्ट पे, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा और ये भी वही कॉन्सेप्ट है। तो अगर मेन एग्जाम का क्वेश्चन अगर अच्छा से याद रखे होंगे तो 2-4 क्वेश्चन आप ऐसे भी बना दिए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसका हो जाएगा आंसर डी, बी गोले का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के आंसर, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, फिगर में आपको चार दिखाया गया है बड़ी सरफेस, एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो कहा जा रहा है कि फ्लक्स किससे ज्यादा होगा, विद्युतीय फ्लक्स। तो आपको पता होगा कि फ्लक्स बराबर होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो आप देखिए कि सारे सरफेस के अंदर जो क्यू इनक्लोज्ड है वो क्यू 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 क्यू, सारे सरफेस के अंदर जो क्यू इनक्लोज है वो सेम है, इसलिए फ्लक्स भी सभी से सेम होगा, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी दूसरे का भी ए सेट का आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई जो है चौड़ाई की दुगुनी है, समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने डाउट के वीडियो में बताया था, जो आप लोग स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, मतलब कि थर्ड का आंसर बी हो जाएगा। ऐसे मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि समय की कमी के कारण मैं जल्दी जल्दी वीडियो निकाल दे रहा हूं,
बाद में इसका सोल्यूशन मैं लाऊंगा। फोर नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फोर नंबर कह रहा है किसी बंद परिपथ में किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतर का बीजगणितीय योग्य क्या होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होता है वो क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होता है वो जीरो होता है, आपको पता होगा। फोर का आंसर सी हो जाएगा, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ है, इलेक्ट्रिक करंट में जो किरचॉफ्स का लॉ है इसका यह सेकेंड लॉ है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र जहां विद्यमान होता है ना वहां वेलोसिटी मतलब वेग हमेशा चेंज होते रहता है। तो ऑप्शन में कह रहा है कि वेग का परिणाम बदलता है, परिणाम नहीं बदलता सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, यानी ये नहीं होगा वेग अचर रहता है, ये भी नहीं होगा संवेग की दिशा। हाँ बिल्कुल, जब वेग की दिशा बदलेगी तो संवेग का भी दिशा बदल जाएगा, यानी पांच का आंसर सी होगा, फाइव का आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे और देख लेते हैं कि सिक्स नंबर का क्वेश्चन क्या है, नहीं है सिक्स नंबर का क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गए सिक्स नंबर क्वेश्चन पे। और सिक्स नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब की दिशा की ओर गति कर रहा है, यानी वेलोसिटी है पूरब की ओर, और कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र को उद्गर्द नीचे की ओर विद्यमान है। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र जो नीचे की, यानी इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स ईस्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो कह रहा है कि उस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो जब आप वी क्रॉस वी कीजिएगा तो उससे फोर्स का डायरेक्शन निकल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो जब फोर्स का डायरेक्शन आप निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो फोर्स का डायरेक्शन आया है वो नॉर्थ में आ रहा है। जब वी क्रॉस वी कीजिएगा तो आपको नॉर्थ में आएगा, नॉर्थ की ओर, और जब नॉर्थ होगा तो इसका आंसर नॉर्थ नहीं होगा बल्कि सही आंसर साउथ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। अगर प्रोटॉन होता तो नॉर्थ हो जाता, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव पे उल्टा लगता है फोर्स, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ की ओर, यानी सिक्स का आंसर इसका ए हो जाएगा, सिक्स का आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन पे, देख लेते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन पे। मैं जल्दी जल्दी वीडियो का सोल्यूशन तुरंत ला रहा हूं तो हो सकता है का क्वेश्चन का आंसर हमसे भी मिस्टेक हो जाए, जल्दी जल्दी में बोलने में या लिखने में कहीं मिस्टेक हो जाए तो वो सब हो सकता है। सात नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए सात नंबर क्वेश्चन है ना, इस पे भी कॉन्सेप्ट पूछा था सेवन नंबर क्वेश्चन पे, जो आपका मेन एग्जाम पढ़ा था इस पे क्वेश्चन आया था। इसका जो सही आंसर सेवन का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी वन इंटू टू इंटू सिक्स, इसका सेवन का आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एट नंबर क्वेश्चन में आ गए और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक। तो आप अपने सर से पढ़े होंगे, आपको पता होगा अच्छे से, और नहीं पढ़े तो जान लीजिए कि मैं बता दूं कि जो एट नंबर है उसका आंसर बी हो जाएगा। बी मतलब डाई मैग्नेटिक सबस्टांस, डाई मैग्नेटिक सबस्टांस जो होता है ना हमेशा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाता है, हमेशा वो रिपेल होता है डाई मैग्नेटिक। और वही पारा मैग्नेटिक होता तो वो वीकर से स्ट्रॉन्गर की ओर जाता है, लेकिन डाई मैग्नेटिक स्ट्रॉन्गर से वीकर की ओर जाता है, इसका आंसर सही हो जाएगा डाई मैग्नेटिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ गया नाइन नंबर क्वेश्चन। देखिए नाइन नंबर जो क्वेश्चन है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट से, इसका आंसर डी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब विस्थापन धारा, नाइन का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दसवां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र द्वारा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं, दोनों, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से जल्दी जल्दी आप लोग आंसर को मिला लीजिए, इसका आंसर जो दस का आंसर होगा वो डी हो जाएगा। आते हैं ग्यारह नंबर क्वेश्चन के आंसर पे। ग्यारह नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया। अच्छा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अवतल दर्पण है, यानी त्रिज्या हो गया 15 सेंटीमीटर, तो फोकस हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, और वस्तु को रखा गया 10 पे, यानी 7.5 और 15 के बीच में, यानी सेंटर और फोकस के बीच में। तो आपको पता होगा कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इसका रियल इमेज बनता है, बड़ा बनता है और उल्टा बनता है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 11 का सही आंसर ए हो जाएगा। यहां देखिए 11 का आंसर सही हो जाएगा, मैग्निफाइड बनेगा, रियल बनेगा, इनवर्टेड बनेगा। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन देख के तो मेरा मन ही खुश हो गया कि ब्रिस्टर लॉ को कैसे करके घुमाकर क्वेश्चन पूछा है। मतलब जो बच्चे बढ़िया से पढ़ाई नहीं किए होंगे उनका फिर से मतलब कि कॉन्सेप्ट आपके पास चाहिए, मैं कह रहा हूं आपके पास कॉन्सेप्ट चाहिए। 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे tan IP mu के बराबर होता है, और यहां दे दिया IP दिया 60 डिग्री, तो tan 60 यूज कीजिएगा तो tan 60 आ जाएगा √3 के बराबर, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जो mu का वैल्यू हो जाएगा सी के बराबर हो जाएगा, सही आंसर 12 का आंसर सी होगा। मैंने तो ध्यान से देखा भी नहीं कि सिंगल कॉरिट है कि मोर देन वन कॉरिट है, मैं सिंगल कॉरिट के हिसाब से बताते जा रहा हूं। ठीक है 13 नंबर में यह कहा जा रहा है कि यंग के
द्यू छिद्र प्रयोग यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली इंग्लिश मेरा ज्यादा स्ट्रांग है, मैं बच्चों को इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ ना, इसलिए इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हिंदी के लोग ज्यादा है इसलिए हिंदी में भी पढ़ाना पड़ता है, बताना पड़ता है आप लोग के यूट्यूब पे। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट विड्थ एंड डिस्टेंस ऑफ स्लिट्स फ्रॉम द स्क्रीन आर बोथ डबल देन फ्रिंज विड्थ। अच्छा अच्छा, मतलब कर स्लिट की चौड़ाई को भी डबल कर दिए हैं और कैपिटल डी जो होता है दूरी स्क्रीन और स्लिट के बीच का दूरी, इसको भी डबल किए हैं। तो स्लिट के डबल करने से तो कोई फ्रिंज विड्थ पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम दूरी को डबल करेंगे तो आपको पता होगा कि फ्रिंज विड्थ कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी होता है, यानी जब ये दुगना हो जाएगा तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस। तो 13 का आंसर ए हो जाएगा, 13 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आ गए 14 नंबर क्वेश्चन पे और कह रहा है किसी विकिरण यानी किसी रेडिएशन डिफाइन द एनर्जी पोजेड बाय अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड। अच्छा अच्छा, कह रहा जो क्वांटम रेडिएशन जिसके पास होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोन। जो क्वांटम रेडिएशन होता है एनर्जी का छोटा वैल्यू लाइट के पास या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास बोल सकते हैं, उसका आंसर हो जाएगा फोटोन। यानी 14 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलते हैं 15 के आंसर पे, 15 में क्या कह रहा है कि इफ रेडियस ऑफ रेडियस आर, अगर किसी न्यूक्लियस का रेडियस आर है और उसका मास नंबर ए है तो दोनों के बीच ग्राफ क्या होगा, दोनों के बीच जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यानी 15 का आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी बता रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, हो सकता है आपको गलती भी हो सकता है, थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए। तो 16 में कह रहा है पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम का डोप किया जाता है, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए। अच्छा, पी टाइप बनाना है तो आपको पता है कि पी टाइप ट्राई वैलेंट एटम मतलब तीन वैलेंसी वाले एटम को मिलाने से बनता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इन द गिवन सर्किट बिलो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो ध्यान से देखिएगा, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में है यानी करंट बहेगा तो इसका आंसर जीरो तो नहीं होगा। तो अगर करंट का वैल्यू निकालें आई बराबर वी बाई आर, तो वी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3 वोल्ट, क्योंकि यहां पे 4 और यहां का 1 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस 300 हो जाएगा, 300/1/100 यानी 10^-2 एम्पियर हो जाएगा, यानी 17 का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18 नंबर क्वेश्चन आ गया। 18 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दिया हुआ है फिगर का, ये ट्रांजिस्टर का फिगर हुआ है और इसका 18 का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। 18 का आंसर ये हो जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर का फिगर दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, 19 नंबर का क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है पहले, बिल्कुल वहां से उठाया गया है, इसका नंबर ए हो जाएगा। 19 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, आईआईटी में पहले उठाया गया, आईआईटी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है 19 नंबर। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है श्वेत प्रकाश का स्पंद हवा से, मतलब श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट गिरता है तो सबसे पहले कौन लाइट निकलेगा अगर एक ग्लास से पार करेगा, तो सबसे पहले रेड निकलेगा क्योंकि रेड का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। आपको पता होगा कि व्हाइट लाइट अगर अंदर जाता तो 7 भाग में टूटता है, तो 7 भाग में रेड का स्पीड जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, रेड कलर का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, यानी 20 का जो आंसर हो जाएगा वो डी, जो रेड कलर होगा वो सबसे पहले निकलेगा। 21 नंबर कह रहा है कि सही ऑप्शन क्या है, देखिए सब बहुत तरीके से सही ऑप्शन तजवीजने के बाद मैं बता रहा हूं इसको, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, 21 का ये हो जाएगा, मैंने इसे तजवीजा है, खूब बढ़िया से ध्यान से देखा है, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो कह रहा वेव फ्रंट समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस है, ये बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा कह रहा है तरंग दर्ज समान कला में कंपित हो रहे, मतलब कि वेवलेंथ इज सेपरेशन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव पॉइंट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ये भी बिल्कुल सही है, बी भी सही है। फॉर टू सोर्सेस कोहेरेंट सोर्स फ्रीक्वेंसी सेम, ये भी सही है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, चारों के चारों इसमें स्टेटमेंट सही है, 22 का आंसर डी हो जाएगा। 23 का आंसर कह रहा वातावरण में किस तरह के रेडियो एक्टिव रेडियो वेव्स परिवर्तित होते हैं। अच्छा अच्छा, कह रहा वातावरण में किस सतह से रेडियो वेव्स परिवर्तित होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आयनोस्फीयर। देखिए मैं बता रहा हूं आयनोस्फीयर को हिंदी में आयन मंडल बोलते हैं, इस क्वेश्चन में पूरा इंग्लिश ही दिया हुआ है, मेजोस्फीयर क्रोमोस्फीयर हिंदी में उसे क्षोभ मंडल समताप मंडल ये सब बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं वो तो हिंदी हमको भी इतना अच्छा से नहीं है, लेकिन इसका पूरा इंग्लिश ही दिया हुआ है, इसलिए जो बच्चे इंग्लिश में नाम जानते होंगे वो वहीं सही क्लियर टिक कर पाए होंगे। तो कह रहा रेडियो किससे परिवर्तित होता है, जिसका सही आंसर ये हो जाएगा, यानी 23 का सही आंसर ये हो जाएगा।
चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, देख लेते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। और आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन, उसमें कह रहा स्काई वेव संचरित आधारित। स्काई वेव क्या होता है? तो स्काई वेव को बोलते हैं हम लोग आकाश तरंगे बोलते हैं, ठीक है। स्काई वेव देखिए, इसका भी इंग्लिश नाम दिया, इसको भी हिंदी में देना चाहिए था, बिहार बोर्ड के बच्चे हिंदी में पढ़ते रहे, चलिए इंग्लिश में नाम दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इंग्लिश भी मजबूत रखिए। तो आयनोस्फीयर से परिवर्तन ये होता है, मतलब आयन मंडल से परिवर्तन इसका होता है। इसका आंसर हो जाएगा 24 का भी ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25 नंबर पे। 25 में कह रहा है द्विधारी अंक 101 को दशमलव में बदलिए, 10101। तो आपको पता होगा कि इसका पावर 0 हो जाएगा, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो सॉल्व कीजिएगा तो 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 0, तो 2 × 4 × 8 = 16, 4 = 20 और 1 = 21। कैसे इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मतलब बाइनरी नंबर में डेसिमल नंबर में बदलने के लिए कह रहा है बाइनरी से। 26 नंबर में आ रहे हैं, 26 में कहा जा रहा है आपसे कि चित्र में दिखाया गया तर्क द्वारा लॉजिक गेट है, तो लॉजिक गेट कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं फिगर से देखिए, नैंड गेट है, वो नैंड गेट पढ़े होंगे, लॉजिक गेट तो पता होगा, ये नैंड गेट का फिगर है। 26 के बाद आते हैं 27 में, कह रहा 27 में कि परिपथ ए और बी के बीच समतुल्य धारिता कितना होगा, तो 3 और 2 पैरेलल में, तो इन दोनों का 5 हो जाएगा और 5 और 4 हो जाएगा सीरीज में, तो 1/5 + 1/4 करके निकालिएगा सी C equivalent पढ़ दीजिएगा तो C equivalent आ जाएगा। सॉल्व करने पे आ जाएगा 20/9, यानी 27 का सही आंसर ए हो जाएगा 20/9। 28 पे आते हैं, 28 पे कहा जा रहा है आपसे, क्या कहा जा रहा है कि किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब द करंट ऑफ कंडक्टर इज इतना 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 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। अच्छा अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो आपको एक करंट बह रहा है 3.2 एम्पियर, यानी एक सेकंड में चार्ज कितना जा रहा है 3.2 एम्पियर। तो कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो n = QI होता है, क्यू का वैल्यू हो गया 3.2 और ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। सॉल्व करेंगे तो ये 2 × 10⁻¹⁹, मतलब ए हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 नंबर में देखिए, ये क्वेश्चन को कैसे घुमाया, फार्मूला पढ़े होंगे, फार्मूला क्या पढ़े होंगे कि जो सी होता है वो 1/√μ0 × ε0 के बराबर होता है। व्हाट इज सी? सी इज स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁻¹ का जो वैल्यू होता है वो इसके बराबर होता है, 1/√ε0μ0। इसको घुमा के क्या कर दिया, 1/√ε0μ0 को μ0 × ε0 का पावर 1 − 1/2 कर दिया, घुमा दिया है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, बस घुमाया है, ठीक है। 30 नंबर में आ रहे हैं, लॉरेंज फोर्स क्या है? देखिए ये क्वेश्चन भी आपको उसमें पूछा था, मेन एग्जाम में लॉरेंज फोर्स भी पूछा था और फिर से पूछा है। तो लॉरेंज फोर्स होता है डी नंबर, आपको पता है कि किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। कारण निकेल कैसा पदार्थ है? तो हर एक बच्चा जानता है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निकेल जो है ये आपका लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगला कह रहा है रिएक्टेंस का मात्रक क्या है? इस क्वेश्चन में भी इंग्लिश दिया, हिंदी देना चाहिए था। रिएक्टेंस को हम लोग बोलते हैं प्रतिघात, बोलते हैं हिंदी में, प्रतिघात का मात्रक क्या होना चाहिए? खैर ओम होता है, ओम एक रेजिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस कैपेसिटर के द्वारा या इंडक्टर के द्वारा जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसे हम लोग रिएक्टेंस बोलते हैं, अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं। इसका ओम हो जाएगा, यूनिट ओम हो जाता है, रिएक्टेंस हो चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो उसका ओम हो जाएगा। और ये भी एसी 33 नंबर भी एसी सर्किट से ही है। इसमें करा एलआर का इंपेडेंस कितना होगा, तो बैच में तो मैंने इसे कल ही पढ़ाया है, कल ही के बैच में मैं अपने जो पटना में क्लास लेता हूं उसे मैंने इसे कल ही पढ़ाया बताया कि क्या होगा। तो ऊपर होता है एल का वैल्यू, वो एल का वैल्यू होता है ओमेगा इंटू एल, इधर होता है आर, तो दोनों को नेट निकालेगा तो √R² + ω² यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 33 का आंसर डी हो जाएगा। फिर कह रहा है हेनरी का मात्रक क्या होगा, तो हेनरी आपको पढ़ना ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ना है हेनरी का मात्रक, हेनरी का मात्रक या हेनरी किसका मात्रक, अच्छा इंडक्टेंस का होता है, इंडक्टेंस का जो इंडक्टेंस आप पढ़े मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी स्व प्रेरक, हिंदी में प्रेरक तो बोलते हैं उसे, ये होता है। फिर कह रहा है डायनमो का कार्य विधि किस पे है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है डायनमो का कार्य विधि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे होता है, कहां लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अच्छा बी में, बी नंबर, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो मैंने सारे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बता दिया, आप जल्दी जल्दी मैच कर लीजिए, वीडियो को कस के शेयर कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, जितने ही बच्चे बिहार में एग्जाम दिए हैं सबके पास शेयर करके पहुंचा दीजिए ताकि सब अपना आंसर चेक कर लें। आप लोगों के ऊपर हम जिम्मा दे रहे हैं, आप लोग इतना कम से कम मेरे लिए कर ही सकते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत किया है, बहुत बार वीडियो लेक्चर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बहुत पढ़ाया है। इस तरीके से सीखते रहिए, समझते रहिए, जाते जाते यही कहेंगे कि 23 से 23 तारीख से स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है बोर्ड स्पेशल का, अगर आप पटना का स्टूडेंट है तो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।